के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। शानो शौकत से निकला पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर जुलूस, जुलूस को मियां साहब ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चिलवाता थाना क्षेत्र में मिली अज्ञात युवती की लाश, गोली मारकर हत्या की आशंका, तफ्तीश में जुटी पुलिस। एसपी नॉर्थ ने कहा जल्द होगा मामले का खुलासा। माही ने रची थी अपने दूध मुही बच्चे के चोरी होने की साजिश, पुलिस के सूझबूझ ने चोरी हुई 2 महीने की बच्ची, उसकी मां सहित 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार, एसपी साउथ ने किया खुलासा। सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पहुंचाने के संबंध में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ के साथ अधिशासी और अधीक्षण अभियंता की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। चोरी की 3 मोबाइल सेट के साथ 3 अभियुक्तों को खोरावार पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने कहा राहगीरों से करते थे मोबाइल चोरी। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में बाल श्रम एवं महिला उत्पीड़न संबंधित आयोजित हुई गोष्ठी, दी गई कानूनी सलाह। सीओ गोरखनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई राप्ती कॉम्प्लेक्स में व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक, व्यापारियों के समस्याओं पर हुई चर्चा, सीओ ने दिए निस्तारण के आश्वासन। तिवारीपुर थाना क्षेत्र में पासपोर्ट की जांच के नाम पर धनुगाही का मामला आया सामने, एसपी सिटी ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। और बकाया मानदेय सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय स्वच्छाग्रही संघ का 3रे दिन भी धरना रहा जारी, विभिन्न मंडलों के स्वच्छाग्रही रहे मौजूद।